हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है 28 अप्रैल की शाम और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। एक्चुअली कृषिव के आँख में ना थोड़ा रेड सा हो गया था, तो वही हम लोग दिखाने के लिए क्लिनिक आए हैं डॉक्टर के। तो अभी मैं दिखा के फिर बताती हूँ कि क्या बोला है डॉक्टर ने। और क्लिनिक में आते ही कृषिव ने मस्ती शुरू कर दी है, देखिए ज़रा। हम लोग हॉस्पिटल नहीं लेके गए क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत भीड़ होती है, इसलिए डॉक्टर के क्लिनिक पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे इनकी मस्ती देख लीजिए आप, इधर से उधर, उधर से इधर, हर जगह ये लड़का कूद रहा था, भाग रहा था। खा लिया है उसकी आँखें, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, थोड़ा सा लाल हो जाती है ना गर्मी में बच्चों की। तो वही दो दिन तीन दिन पहले आए थे तो डॉक्टर ने कहा था तीन दिन दवा, मतलब दवा तो दी है, बोले इम्प्रूवमेंट होगा तो बताना। दो दिन सही था, आज अचानक से फिर थोड़ा हो गया, तो हमने कहा एक बार दिखा लें। तो उन्होंने कहा खैर ठीक हो जाएगा, हल्का हुआ है, टेंशन मत लीजिए, वही दवाएँ कंटिन्यू करिए। बस हम लोग वापस जा रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं कृषि को हमेशा यहीं लेके आती हूँ। ये डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह बहुत अच्छे हैं। तो खैर चलिए अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। एंड कृषि ने आज बहुत मस्ती करी है ना कृषि? बेल का शरबत आजकल, ये मुझे बहुत बेल का शरबत पिला रहा। चाय कॉफी छोड़ के हम लोग बेल के शरबत पे आ गए हैं। क्यों? मेरे साथ साथ बेचारे ये भी पीते हैं। एक्चुअली मुझे पेट में प्रॉब्लम होती है ना, तो इस वजह से बेल काफी अच्छा होता है, तो ये मुझे भी पिलाते हैं और खुद भी पीते हैं बेल। अंधेरा लग रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी सुबह हो गई है और मैंने नहा लिया है, आज थोड़ा जल्दी नहा। आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी, 29 अप्रैल है आज, तो आज हमारी एनिवर्सरी है, तो मैंने सुबह सुबह नहा लिया। अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि आज हम लोग प्रसाद बना के भगवान को चढ़ाएंगे, मतलब मैं बनाऊँगी, हम और ये दोनों चढ़ाएंगे। तो मैं बनाने जा रही हूँ खीर, तो खीर रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ऑसम यम खीर की रेसिपी। और आज मैंने ये न्यू कुर्ती पहनी है अपनी, ये देखिए। और बस अभी जा रही हूँ मैं, भोग बनाऊंगी भगवान का, और आगे का प्लान क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। शाम को हम लोग बाहर जाएंगे शायद, अब जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं भोग। सो गाइस, अब मैं बनाने जा रही हूँ खीर। तो खीर बनाने के लिए हमेशा ना फुल क्रीम मिल्क का यूज़ करिए, इससे खीर बहुत गाढ़ी बनती है और अच्छी बनती है। तो मैं तो किसी भी दूध में बना लेती हूँ हालांकि, बट आज इत्तेफाक से मेरे घर में फुल क्रीम दूध है, तो मैंने कहा चलो इसी जब है तो बना लेते हैं, और नहीं तो फिर जो वो भैया देके जाते हैं भैंस वाला दूध वो भी यूज़ कर लेती हूँ मैं। बट कल क्या है वो आए नहीं, तो पैकेट वाला दूध आ गया है, तो मैंने कहा चलो ये यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं ले रही हूँ 1 लीटर दूध, मतलब हम लोग 5 लोग हैं, एक माला है तो 6 हो गए समझ लीजिए। तो 6 लोगों की खीर बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध ले रही हूँ। दूध आप ज़्यादा कम ले सकते हो, जितने आपके घर में लोग मेंबर हो उस हिसाब से दूध तो कम ज़्यादा हो सकता है। मैं जितना ले रही हूँ उतना बता रही हूँ। तो इंडक्शन पे मैंने दूध रख दिया है गाढ़ा होने के लिए। 1 लीटर दूध है तो कम से कम आधा हो जाए वो, तब उसमें हम खीर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो एंड यहाँ पे मैं अभी बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज चने की घुघरी बनेगी, मम्मी जी ने बोला था, तो बस वही बना रही हूँ मैं। तो वो आप लोग को नहीं दिखाया, मैंने बना के एक तरफ चढ़ा दिया है कुकर, और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में ले लिया है देसी घी, इसमें मैंने थोड़ा सा चावल लिया है आधा कटोरी, क्योंकि खीर में बहुत ज़्यादा चावल मुझे पसंद नहीं है, तो आधा कटोरी चावल लिया है, उसे धो लिया है, और बस देसी घी में इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए लगभग 3 से 4 मिनट भूनने के बाद चावल का कलर बदल गया है, हल्का हल्का रेड सा हो गया है। तो बस अब ये भून चुका है, अब मैं इसे ठंडा करके मिक्सी में हल्का सा पीस लूँगी, तो क्रश करना, ज़्यादा नहीं पीसना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने मिक्सी में से ले लिया है, अब मैं हल्का सा क्रश करूँगी। तो अभी दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, तो अब मैं इसमें ये चावल डाल दूँगी जो मैंने पीस के रखा है। आप चाहे तो और हल्का सा क्रश करिएगा, मैं थोड़ा फिरनी स्टाइल में बना रही हूँ, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा क्रश मतलब पीस लिया है। दरदरा सा ही है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है, और अगर आप चाहो तो हल्का दरदरा भी रख सकते हो, या फिर आप भून के डायरेक्ट भी डाल सकते हो जैसे आप बनाते हो।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दूध को पहले गाढ़ा किया है, उसके बाद फिर मैंने इसमें ये जो चावल हमने पीस के रखा था ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसे थोड़ी देर चलाएंगे कि ये पिसा हुआ है तो बहुत जल्दी पक गया ये चावल 2 से 3 मिनट में। इसके बाद मैंने केसर भिगा के रखा था दूध में, वो डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने केसर डाल दिया है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, तो जब चावल पक जाएंगे तभी खीर में चीनी ऐड करिएगा, नहीं तो फिर चावल अच्छे से पकते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसमें चीनी ऐड कर दे रही हूँ। तो चीनी आप अपने हिसाब से डालिए कम ज़्यादा, मेरी फैमिली में लोग कम मीठा पसंद करते हैं तो मैं ज़्यादा चीनी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी ही चीनी डाली मैंने, लगभग 1 कटोरी से कम ही डाली है। और बस अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट मैंने पकाया है चीनी डालने के बाद, उसके बाद गैस ऑफ कर दिया। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी और इलायची भी डाला था मैंने, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, यहाँ पे काजू बादाम पिस्ता डाल दिया है, आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हो। और बस हमारी खीर बनके रेडी है। ऊपर से मैं इसे गार्निश कर दे रही हूँ पिस्ता और थोड़े से केसर के साथ, और देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ना, एंड सच में खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी खीर। तो आप लोग ट्राई करना इस तरीके से बना के एक बार, देखना बहुत अच्छी बनती है सच में। तो भोग हमारा बन के रेडी है, तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। मैंने कहा आज एनिवर्सरी है तो कुछ मीठा तो बनाना बनता है, तो बाहर से मंगाने से अच्छा अपने हाथ से बना के मैं भगवान जी को चढ़ा दूँ। तो बस यहाँ पे मैं भोग लगाने के लिए आई हूँ, भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए। तो चलिए मैं भोग लगा दूँ पहले, फिर मिलूँ आप लोगों से। ये देखिए हमने भगवान जी को भोग लगा दिया है और ये रहे हमारे भगवान जी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। और पूजा हो गई है मेरी कंप्लीट। मैंने सोचा था इनके साथ पूजा करूँगी लेकिन इन्होंने नहाने में थोड़ा सा लेट कर दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ। और ये देखिए खीर हमारी सर्व हो चुकी है एक बोल में, तो अब मैं सबको निकाल के दे दूँगी खाने के लिए, खुद भी खा लूँगी क्योंकि कल मेरा व्रत था ना तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो खैर यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह किया, सबको कराया, उसके बाद अभी यहाँ पे आलता लग रहा है क्योंकि मम्मी जी बोली आज तुम्हारी एनिवर्सरी है तो आलता लगवा लो, तो बस मैं आलता लगवा रही थी। और अभी मैं बना रही हूँ खाना, और इसके बीच में इनके दोस्त आ गए थे तो बस उनके लिए मैं रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं ना तो सबको ठंडा ठंडा पीने का मन करता है, तो बस यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा बना दिया है। ऊपर से मैं एक्स्ट्रा आइस डाल दूँगी जिससे कि एकदम ठंडा ठंडा रहे। तो आप लोग बताना कितने लोगों को रूह अफ़ज़ा पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं अक्सर बनाती हूँ और इनको तो कम पसंद है लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो इसके साथ मैं थोड़ी सी आलू की भुजिया भी सर्व कर दे रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, आजकल चाय कॉफ़ी पीने का मन नहीं करता, तो मैंने कहा चलो इसी के साथ आलू भुजिया दे दे रही हूँ थोड़ी सी, तो अच्छा लगेगा। और बस यहाँ पे मैंने निकाल दिया है अभी, ये इनको बुला दिया मैंने, ये लेके जाएंगे क्योंकि मैं रोटी सेक रही थी ना तो मेरे हाथ में आटा वगैरह लगा था, तो मैंने कहा मैं तो ऐसी हालत में नहीं जाऊँगी, आप ही आके ले जाओ। तो खाने में सिंपल सा दाल चावल रोटी सब्जी बना था क्योंकि शाम को हम लोग बाहर जाएंगे, तो ये हुआ कि शाम को भी हेवी खाना है, तो घर में मतलब दिन में कुछ ऐसा सिंपल बना लो। तो बस दाल चावल रोटी सब्जी बनाई है और यहाँ पे इन लोगों की फरमाइश थी कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी भी बना दी है। और गुड इवनिंग, अभी इवनिंग हो गई है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बुके, तो ये बुके मेरे भैया भाभी ने भेजा है, केक और बुके दोनों साथ में भेजा है। केक तो फ्रिज में रखा हुआ है, तो मैं बुके दिखा रही हूँ आप लोगों को। हर साल मेरे भैया भाभी केक और ये सब भेजते हैं, तो थैंक यू भैया भाभी। और भी जो इनके दोस्त आए थे ना वो भी केक लेके आए थे, और एक केक शेखर भैया की तरफ से था, तो 3-3 केक हो गया था हमारे एनिवर्सरी पे, तो वो सब मैं अभी आप लोग को दिखाऊँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पर अपना बुके लेके घूम रही हूँ, दिखा रही हूँ मेरे पति देव आज के दिन भी ऑफिस का काम कर रहे हैं क्योंकि इवनिंग हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं रेडी होने के लिए। और क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया है अभी 4:45 हो रहे हैं, अभी से तैयार होना शुरू कर दो, तुम ज़्यादा समय लगाती हो। तो अभी बस मैं रेडी होने जा रही हूँ, पहले मैं रेडी हो जाऊँ उसके बाद क्रिश शेप को रेडी करूँगी। और मैंने ना ये मंगवाया है कि देखिए हेयर स्ट्रेटनर 3-in-1 है।
तो बस यहाँ पे मैं रेडी होने जा रही हूँ। और ये मैं दिखा रही थी कि आजकल मैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र है ये, बहुत ही लाइट है और बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं लगता। इसको गर्मी में लगा लो, स्किन में पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही अच्छा है। तो खैर चलिए मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मैं हो गई हूँ एनिवर्सरी पार्टी के लिए रेडी। ये सूट पहना है मैंने, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और ये सूट लिया है मैंने श्रद्धा कलेक्शन रायबरेली से। तो थैंक यू सो मच आंटी जी, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है। और आप में से किसी को भी ना इस तरीके के सूट चाहिए, ऐसे कॉटन के एकदम फैंसी फैंसी से सूट, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा। मैं एक मेरी जानने में है, वो बहुत अच्छे अच्छे सूट इस तरह के बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लेती हैं आंटी जी, लेके आती हैं बाहर से। तो अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए ये सूट भी मैं जितने भी कॉटन के सूट पहनती हूँ सब वहीं से लेती हूँ, तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो बताइएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, अभी मैं पूरा लुक दिखाऊंगी आपको। तो खैर देखिए मैं हो गई हूँ रेडी कुछ इस तरह से अपनी एनिवर्सरी के लिए। तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बता रहा, मेरे पति देखो तो मैं अच्छी लग रही हूँ, क्यों आपको अच्छी लग रही हूँ ना। वो अभी अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, सब 7 बज जाएगा तब वो उठेंगे, मतलब उनका ऑफिस टाइम खत्म होगा उसके बाद। तब तक इन्होंने मुझे टाइम दे दिया कि तुम तैयार हो जाओ, तुम ज़्यादा समय लगाती हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अरे ये चूड़ा जैसा कुछ पहन लिया है, चूड़ा ही बोलते हैं शायद इसको नए ज़माने में। मेरा जो शादी वाला है वो तो ख़राब हो गया है, और एक और है वो अच्छा ही है लेकिन वो कोलकाता में है। तो मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ क्योंकि आज एनिवर्सरी, आज तो पहनना बनता है। तो खैर अभी मैं रेडी हो गई हूँ, कृषि को भी रेडी कर दिया, वो नीचे गया है बाबा के पास है, खेल रहा है। मम्मी जी भी रेडी हैं, बस अब हम लोग निकलेंगे। शिखर भैया भी आ गए हैं, तो अब हम लोग निकलेंगे पार्टी के लिए। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाबी, क्यों अभी इनको कुछ आइडिया नहीं है, रास्ते में देखेंगे कहाँ जा रहे हैं। तो फिर चलिए। तो गाइस ये रहा मेरा पूरा लुक, मैं आपको मिरर में दिखा दे रही हूँ क्योंकि ये ऑफिस का काम कर रहे थे तो दिखाता कौन, तो मैंने कहा चलो मैं ही दिखा देती हूँ। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आगे का ब्लॉग नेक्स्ट में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, क्योंकि अभी ऐड करूँगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।